में अति प्राचीन श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर जहां पर माता रानी की मूर्ति स्थापना की जाती है। साथ ही श्री दशा वैष्णव पोरवाड समाज द्वारा महानवमी पर्व पर शस्त्र पूजा एवं भारत माता की आरती की गई। शस्त्र पूजा आरती में महिलाएं व छोटे छोटे बच्चे बालिकाओं द्वारा एवं समाजजनों के द्वारा भारत माता की आरती एवं शस्त्र पूजन किया गया। भारत माता की आरती और शस्त्र पूजन के बाद दाता हरी चौक की माता रानी की आरती की गई और प्रसाद वितरण किया गया। आरती और प्रसाद व शस्त्र पूजन में समाज के सभी वरिष्ठ एवं युवाओं ने एवं महिलाओं ने छोटे बच्चों ने भी भाग लिया। और वहीं समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जहाँ पर महानवमी पर्व पर विशेष शस्त्र पूजन एवं भारत माता की आरती की जाती है, साथ ही माँ अम्बे जी की आरती एवं प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। शस्त्र पूजा एक्चुअल में त्रेता युग में भगवान राम जी ने जो है लंका पर जब चढ़ाई की थी तो 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना की थी और माँ दुर्गा के भी एक हाथ में शस्त्र है, इसलिए 9 दिन तक आराधना कर कर शस्त्र की भी पूजा करी थी, क्योंकि माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने के लिए शस्त्र उठाना ही था, इसलिए उन्होंने शस्त्र पूजा की थी। और तब से ये परंपरा चल रही है और सन 1925 से जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई है तब से राष्ट्रीय स्वयं संघ ने और उनकी जो अन्य अन्य ब्रांचें हैं विश्व हिंदू परिषद सेवा भारती सारी जो संस्थाएं हैं वो इन 10 दिनों में पूरे हिंदुस्तान एवं अन्य देशों में भी जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वहां पर शस्त्र का पूजन होता है। और यूँ भी जो हमारे सनातन धर्म में शस्त्र को रखना अनिवार्य माना गया है, जहाँ काम बातों से नहीं चले वहाँ शस्त्र उठाना ही पड़ता है, इसलिए इस समय शस्त्र की पूजा की जाए। मंदिर है जो करीबन 150 साल पुराना है, पोरवाड समाज के आराध्य श्री कृष्णदेव कृष्ण भगवान का मंदिर है। क्योंकि शस्त्र पूजा भी आज हुई है तो मैं कृष्ण के बारे में बता दूं कि कृष्ण के जहाँ बचपन में हाथ में बांसुरी थी वहीं बाद में सुदर्शन चक्र भी हुआ जहाँ वो केशव हुए, यही हिंदुत्व है, यही हिंदुत्व है कि हम जहाँ तक सॉफ्ट हैं तब तक सॉफ्ट हैं। देखो हमने हमारे शास्त्र भी है वो शस्त्र भी है, यहाँ पे सबसे भव्य गरबा होता है जो हमारे पोरवाड समाज का प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है। और 9 दिन देवी की आराधना की जाती है, 9 चंडी पाठ होता है, 9 चंडी हवन होता है और तो माता जी के प्रतिदिन इसी तरह झांकियाँ सजाई जाती हैं जहाँ प्रतिदिन पूरे शौर्य के साथ में अपनी परंपराओं के साथ में प्रतिदिन यह प्रदर्शित किया जाता है। माता जी चौकी बोलते हैं हम और ये हमारा पोरवाड समाज है, यही सब मिलजुल कर काम करते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कुक्षी से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।